तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू हुंडई आयोनिक 5, हुंडई इंडिया की सेकंड ऑफरिंग जो कि इलेक्ट्रिक सेगमेंट में करने जा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा आपको कोना इलेक्ट्रिक ऑफर की गई, लेकिन यहाँ पर एक अलग मामला आपके सामने है। बिल्कुल अपनी एक प्रीमियम फ्लैगशिप एक तरीके से आयोनिक 5 को इंडिया में लाया जा रहा है, और यहाँ पर हम समझाएंगे आपको जो आयोनिक 5 है क्या सारे फंक्शंस मिलती है। इसकी इंडिया में लॉन्चिंग ऑटो एक्सपो 2023 में आपको देखने को मिलेगी। दिसंबर 2022 से इसकी बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिससे इस गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा शानदार एक ऑफरिंग की तरह पेश किया जाएगा इंडिया में। इसका अगर मैं डिज़ाइन आपको समझाऊँ तो इसमें आपको एक अमेरिकन DNA देखने को मिलेगा। होने का हुंडई एक साउथ कोरियन कंपनी है, बट इस गाड़ी को अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट्स को देख के बनाया गया है, और वहीं पर अभी इसको एक वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर का टाइटल भी मिल चुका है, जिससे पता चलता है कि जो बाकी कंपटीशन है, बात की जाए टेस्ला या फिर आप देखें फोक्सवैगन, वो भी इसको कम्पीट नहीं कर पाया है। तो देखा जाएगा क्या खास दिया गया इस गाड़ी में। बाकी डिज़ाइन आप देखेंगे ना कहीं आपको डॉज की चैलेंजर, मतलब एक अमेरिकन DNA देखने को मिलेगा, बहुत अल्टीमेट। साथ ही जो आप इसमें सारे लाइटिंग एलिमेंट्स देख रहे हैं, इसमें आपको पिक्सल डिज़ाइन फिलॉसफी देखने को मिलेगी। स्क्वायर शेप डिज़ाइन दिया गया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। इसमें आपको ADAS के फंक्शन भी मिलते हैं, और इंटीरियर में बहुत प्रीमियम काम किया गया है। इस कार की ओवरऑल लेंथ है 4.6 meters की, यानी कि ये एक मिड साइज SUV सेगमेंट में आएगी इंडिया में। इसका जो पूरा प्रोफाइल है एक हैचबैक और एक कूपे का कॉम्बिनेशन है, उसी से आपको दिखाता चलूं। इस गाड़ी की जो फ्रंट है, यहाँ पर आपको रडार के सारे सिस्टम देखने को मिलेंगे, और अगर आप ऊपर जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको लेन वॉच कैमरा देखने को मिलेगा। साथ ही बात की जाए सेफ्टी की, तो यूरो NCAP ने इसको 5-star की सेफ्टी रेटिंग ऑफर करी है। मेन बात है जो प्लेटफॉर्म इसमें यूज़ किया गया है, स्पेशल प्लेटफॉर्म है, जैसे टाटा मोटर्स और महिंद्रा स्पेशली अपनी इलेक्ट्रिक कार्स के प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है। मैंने बताया कर्व और अवनिया वो सीरीज़ है, उसी के साथ महिंद्रा भी अपने इनग्लो प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहा है। वही चीज़ यहाँ पर हुंडई ग्रुप ने अपने स्केट बोर्ड इलेक्ट्रिक ग्लोबल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करा है, शॉर्ट फॉर्म है इसका EGMP। ये सेम है जो किया कि EV6 में भी आता है, और इसके मेन पिलर है एक तरीके से जिन चीज़ों को ध्यान में रख के इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। पहले तो मॉड्यूलर होनी चाहिए गाड़ी, मॉड्यूलर इन द सेंस ये अभी छोटे सेगमेंट की गाड़ी बनाई जा सकती है इसी से बड़े सेगमेंट की गाड़ी बनाई जा सकती है। बस जो व्हील बेस है उसको कम ज़्यादा करा जाएगा, या फिर लंबाई को कम ज़्यादा किया जाएगा, मतलब मॉड्यूलर होगी। किसी भी साइज़ की बैटरी इसमें बैठाई जा सकती है, और उसके साथ रिलायबल होना चाहिए, साथ ही यूजेबल होना चाहिए, और परफॉर्मेंस पूरी मिलनी चाहिए, कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और यही सारे चार पिलर्स हैं जिसमें हुंडई ग्रुप ने अपने इस स्केटबोर्ड इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म को बनाया हुआ है। अब बात करते हैं इसकी बैटरीज की, तो मैं आपको बता रहा था कि ये ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है, लेकिन इंडिया में इसका एक लोअर वेरिएंट भी आपको मिलेगा, जिसमें एक छोटी साइज़ की बैटरी यानी कि 58 किलोवाट आर की बैटरी मिलने वाली है, और जो आपको सीधे सीधे पावर रियर व्हील में देगी, फ्रंट व्हील वाली नहीं होगी, रियर व्हील होगी, जो कि ज़्यादा बढ़िया एक तरीके से, ज़्यादा बढ़िया कॉर्नरिंग आप कर पाएंगे। और जो टॉप मॉडल होगा उसमें बड़े साइज़ की बैटरी ऑफर की जाएगी, जिसकी किलोवाट आर होगी 72.6 किलोवाट की, जिसमें आपको ऑल व्हील ड्राइव का सेटअप मिलेगा, सेम जो अभी आपके सामने है। इसमें दो मोटरें होंगी, एक फ्रंट एक्सल और एक पीछे वाले एक्सल में, लेकिन मेन बात है कि पहले आपको जो बेस वेरिएंट्स होंगे वही ज़्यादा जल्दी दिए जाएंगे, जिससे कि एक तरह से मार्केट कैप्चर हो जाए, फिर जाके बाद में थोड़ा सा आपको टॉप एंड वेरिएंट की ओर ले जाएगा। कीमतों की भी बात करूं तो EV6 जैसे आपको 60 लाख में मिलती है, तो ये गाड़ी भी सेम प्राइस 58 से लेकर 62 लाख रुपए की रेंज एक शोरूम में स्टार्टिंग हो जाएगी, और टॉप एंड मॉडल जैसे EV6 का 65 लाख रुपए, 65 लाख रुपीज़। लेकिन इन फ्यूचर अगर इसका मास बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, ज़्यादा डिमांड आएगी, और उससे बढ़िया बात है जो मैंने बताया कि जो इनका प्लेटफॉर्म है वो मॉड्यूलर है, तो छोटी गाड़ी बनाई जा सकती है, जिससे ज़्यादा सस्ती गाड़ियाँ बनेंगी। जिस तरीके से टाटा अपनी नेक्सॉन EV को लेकर आया है, उससे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ज़्यादा लोग खरीदेंगे, तो कंपनी को बेनिफिट होगा इंडिया में बनाने में। बाकी इसमें पावर टेलगेट भी मिलता है, और साथ ही आपको एक और चीज़ समझा दूं मैं, इस गाड़ी की टॉप स्पीड है 185 किलोमीटर पर आवर की, 0 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है 5.2 सेकंड में ही अचीव कर लेती है। प्रॉपर 5-सीटर स्पेस मिलता है, क्योंकि गाड़ी की लंबाई अच्छी है। उसके साथ बूट देखेंगे तो इतना फ्लैट बूट आपको दिया गया है, 3 लोगों के लिए पूरा हेडरेस्ट है, साथ ही इतना नीचे स्पेस दिया गया है, और यहाँ पर आपको पूरा पावर टेलगेट है। बहुत सही वाली फंक्शनिंग है इसकी, जो क्वालिटी है ना प्रॉपर अमेरिकन और यूरोपियन स्टैंडर्ड को फुलफिल कर रही है, क्योंकि वहीं की मार्केट को टारगेट करा है, और एक तरीके से मैं बताऊं ये वहां पर वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर भी बन चुकी है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको लगभग 140 से लेकर 160 मिलीमीटर का मिलेगा, अच्छा फंक्शन है, बहुत बड़ा सा ओपन होता है, पूरा कूपे स्पैड है, और पीछे भी देखेंगे तो हुंडई प्रॉपर एक आपको जो क्वालिटी देती है बढ़िया लगेगी, टॉप नॉच क्वालिटी है। सनरूफ का ऑप्शन इसमें आपको एक मूनरूफ का ऑप्शन दिया गया है, जो कि फिक्स्ड है, स्लाइड नहीं होगी, बट इसका जो कवर है वो हट जाएगा, और आपको जैसे रेंज रोवर का ऑप्शन मिलता है वही कुछ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही पीछे 3 लोग इसमें आसानी से बैठ सकते हैं, एक पीछे आपको AC वेंट यहाँ पर नहीं है, वहाँ पर देखेगा, जिसमें आपको मेटेलिक फिनिश इस साइड भी ऑफर की गई है। बाकी बैठने में, चढ़ने उतरने में ज़्यादा हाइट नहीं है, तो कंफर्टेबल है, आसानी से चढ़ा जा सकता है, आसानी से उतरा जा सकता है, लेग रूम भी आप यहाँ से देख लीजिए। एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे फ्लश डोर हैंडल्स आपको ऑफर किए गए, जो कि थोड़ा सा प्रीमियम टच देता है, होने को महिंद्रा भी देती है, बट इनका जो प्रॉपर अमलगेशन है वो किस तरीके से कंपनीज करती है, वो यूज़र के लिए फ्रेंडली है नहीं है वो ज़रूर बात है। और जो ए पिलर है वो भी बढ़िया बढ़िया लगेगा, और डास के सारे फंक्शंस हैं। और साथ ही यहाँ पर से देखिए इसके इंटीरियर के डिज़ाइन को, प्रॉपर क्वालिटी दिखेगी आपको, प्रॉपर क्वालिटी। कोई भी बंदा बैठे
प्रीमियम फील करेगा। उसके साथ यहाँ पर देखिए बढ़िया सी एमियन लाइटिंग अभी भी दिख रही है, इतने उजाले में भी यहाँ पर पता चल रहा है कि लाइट जल रही है। ये क्वालिटी आप देख सकते हैं, उसी के साथ ये चीज़ें आप सारी देखेंगे। सॉफ्ट टच है, थोड़ी एक स्टिचिंग दी गई है डिटेल बढ़ाने के लिए। एक डोर हैंडल यहाँ ऑफर किया गया, जैसे कि अपनी गाड़ियों में देती है कुछ ना कुछ वैसा ही है, क्लासिक लुक है। साथ ही थोड़ा स्पेस यहाँ दिया गया, आयोनिक 5 की ब्रांडिंग है। एक एक्सटेंडेड क्लैडिंग का पार्ट यहाँ ऑफर किया गया है। और जो मैं आपको दिखाता था रियर सीट की बात, तो रियर सीटिंग की प्रोफाइल कुछ ऐसी है। और टायर्स की बात की जाए तो 255/45 रेडियल 20 का टायर है। इंडिया में ये मुश्किल है आना, फिर भी मिशेलिन कंपनी का है। अलॉय बहुत शानदार है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक गाड़ियों में एयर के ड्रैग को कम करने के लिए ऐसे अलॉय का यूज़ किया जाता है, वही चीज़ यहाँ पर भी फॉलो अप है। पीछे डिस्क ब्रेक है, सस्पेंशन ट्रैवल प्रॉपर है, और किस तरीके की क्वालिटी है ना देख ही सकते हैं आप। बाकी बैठ के दिखाता हूँ आपको सेकंड सीट्स में। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, और ये इसका फ्रंट का पूरा डैशबोर्ड। मेन चीज़ मैंने आपको बताई कि ये पूरा मूनरूफ आपको लगेगा, और इसको आप देखें तो कवरिंग वाला पार्ट यहाँ से ओपन और क्लोज कर सकते हैं। अभी इसकी की अवेलेबल नहीं है तो ये फंक्शंस नहीं होंगे, बट ये इसमें जो कवर है ये आप हटा सकते हैं। उसके साथ यहाँ देखेंगे कुछ आपको चार्जिंग सॉकेट है, बढ़िया सा आपको यहाँ पर आर्मरेस्ट है जिसमें कप होल्डर दिए गए। दो लोग इसमें बहुत कंफर्टेबली आएंगे, बट तीन लोग के लिए भी गाड़ी में कोई शिकायत नहीं। अपना हेडरूम शोल्डर रूम देखेंगे प्रॉपर आपको लगने वाला है। तो भैया ये है आपकी आयोनिक 5, और ये कुछ मेरा अपडेट रहा इस गाड़ी को लेके। बाकी फंक्शंस आपको बताऊं तो एडास के फंक्शन दिए गए, ऑटोनोमस ब्रेकिंग ये कर देगी, ऑटोनोमस आपको इसमें क्रूज कंट्रोल मिलता है जो कि अडेप्टिव है, आगे वाली गाड़ी को ट्रैक करके ये चल सकता है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्पीड को मेंटेन करेगा, कब ब्रेकिंग लेनी क्या कुछ करना कर सकता है। और गाड़ी एक तरीके से ये भी माना जा रहा है कि बहुत क्विकली चार्ज होगी। इंडिया में देखते हैं किस हिसाब से सेटअप ये बनाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर ही मान रहे हैं कि गाड़ी कुछ ही मिनटों में आपको अच्छा खासा लगभग 4.5 मिनट अगर आप इसे चार्ज करेंगे तो ये गाड़ी 100 किलोमीटर की रेंज दे देगी अपने 350 वाट के अल्ट्रा फास्ट चार्जर जो डीसी में काम करेगा। वो किया इंस्टॉल कर रही है, लेकिन उस कैपेसिटी में कब पहुंचेगी वो आपको बाद में बताता हूँ। मतलब 4.5 मिनट चार्ज करके ये गाड़ी 100 किलोमीटर चल सकती है। मैं आपको उसमें एक बार बैठ के भी दिखाता हूँ क्या क्वालिटी है। एक देखिए मेटेलिक फिनिश दी गई है, एक्सटेंडेड आपको नीचे ये वाला सपोर्ट दिया गया, क्योंकि आप ऐसे कुछ यहाँ से भी अभी देखिए ये ऑफ होगा और ये स्लाइड हो गया ऊपर की ओर आएगा। मतलब यही फंक्शन तो चाहिए, जब आप मतलब चल रहे हैं तो आराम से चलिए, और फिर जब आपको रेस्ट करना है आप वो सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ से रिक्लाइनेबल फंक्शन भी है, और ये सीटें यहीं से पूरी पूरी रिक्लाइन होती है। प्रॉपर एक मर्सिडीज़ लाइक थिंग्स दी गई है सब कुछ, और ये भी देखेंगे बढ़िया सा है, बैठ के देखते हैं इसमें। तो ये सारा सेटअप देखेंगे, आगे का जो डैशबोर्ड है विजिबल है, ये कुछ डैशबोर्ड है। एयरबैग्स मिलेंगे आपको ऑल अराउंड इसमें, और यहाँ पर हुंडई का लोगो नहीं है, बट उसको डिजिटली देखा जाए जो एक पिक्सल फॉर्मेट में, और एक तरीके से मैं कहूँ जो मोर्स कोड होता है उसी को यहाँ पर चेंज करके इसका जो लोगो है वो बनाया गया है। मोर्स कोड मतलब बहुत इनोवेटिव चलेगी यहाँ पर हुंडई। और यहाँ पर कुछ ऐसे कंट्रोल करने के लिए दिए गए ऑप्शंस, ये थोड़े से इसके डायल्स हैं, और ऐसा कुछ स्टेयरिंग है जो कि डी कट के साथ मिलेगा। पार्क ड्राइव न्यूट्रल और रिवर्स मोड के लिए ये फंक्शंस है, और कुछ फंक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं और क्या क्या काम करेंगे साथ ही देख लेंगे। यहाँ पर सारे हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स हैं, उसके साथ आपको पैडल शिफ्टर्स यहाँ पर सारा आपको जो वाइपर कंट्रोल है फुल मेटलिक फिनिश है, बहुत प्रीमियम लगेगा। साथ ही हज़ार्ड के लिए अलग सा आपको हाईलाइट दी गई है। ये कुछ आप देख रहे हैं इसके इंटीरियर की क्वालिटी को, जो कि प्यारी लगने वाली है आपको। नीचे दिखाऊं तो इतना कुछ यहाँ पर आपको सारा सेटअप है, ये फुली डिजिटल है, तो इसकी क्वालिटी किस तरीके से वो बाद में समझाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप जो ईवी मोड है उसको स्टार्ट करने का ऑप्शन है। नीचे मैंने कहा कि जो प्लेटफॉर्म है स्केटबोर्ड है, यानी कि बीच में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। पीछे देखिए आगे देखिए बिल्कुल फ्लैट बनाया गया है, जिससे आप यहाँ से भी शिफ्ट कर सकते हैं, और स्पेस बहुत बढ़ता है। जो शिफ्टर है वो यहाँ प्लेस कर दिया गया, यहाँ पर कप होल्डर है, साथ ही आपको वायरलेस चार्जर यहाँ दिया गया, एक बढ़िया सा आर्मरेस्ट है, और उसी के साथ नीचे स्पेसिंग नहीं है, ये सारा स्पेसिंग आप ही का है। सामान आ जाएगा, बैग आ सकता है। अब जैसे मैंने बाकी गाड़ियाँ इनकी दिखाई है स्पेस में बिल्कुल अच्छी है, वही चीज़ यहाँ भी है। और यहाँ पर सनरूफ के सारे कंट्रोल ऑफर किए गए, साथ ही ये मून रूफ, और ये चीज़ें IRVM फुली इलेक्ट्रॉनिक है तो वो पसंद करेंगे। बाकी एक बार डोर बंद करके देखते हैं तो किस हिसाब की वहाँ चीज़ है। ये डोर बंद करने के लिए भी जो क्वालिटी है ना वो आप फील करेंगे, बहुत शानदार, मतलब मज़ा आ गया। 65 लाख रुपये ये भी याद रखिएगा, एक शोरूम होने वाला है इसका 60 से लेकर 65 लाख। हो सका तो बेस मॉडल 58 तक भी ला सकती है हुंडई, लेकिन मेन बात है कि EV6 ही मिलने वाला है पूरा हार्डवेयर में, तो सेम ही प्राइस रहेगा। बाकी बात करिए यहाँ पर, तो ये इसका चार्जिंग सेटअप है, जो कि अभी नॉर्मल चार्जर जो इसके साथ मिलता है वो इंस्टॉल किया गया, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे। इसमें भी देखेंगे तो कुछ आपको यहाँ पर पिक्सल फॉर्मेट में ही एक इंडिकेशन दिया गया, थोड़ा सा डिजिटल करने की कोशिश की गई है। ये आपको एक प्लास्टिक का फ्लैप है, ये बेसिक सा आपको यहाँ पर चार्जिंग गन ऑफर की गई है। आपको यहाँ पर हुंडई का ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, जो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है, जिस तरीके से हुंडई के 200 में आपको दिखाया है वही चीज़ आपको सब कुछ दिखती हुई मिलेगी। आयोनिक 5 लिखा हुआ है, पीछे कोई भी वाइपर प्रोफाइल नहीं है, लेकिन पीछे आपको शार्कविन एंटीना है। और ये चीज़ मैंने आपको बताई कि टर्न इंडिकेटर बहुत अल्टीमेट, मतलब जो पिक्सल फिलॉसफी है ना बढ़िया लग रही है आपको। तो भैया ये कुछ रहा फिर इसका सब कुछ। बाकी सीट्स फोल्ड हो जाएगी, ये जो सीट है इसको आप इलेक्ट्रॉनिकली जो रिक्लाइन है वो कर सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर थोड़ा डायनेमिक बनाने के लिए जो क्लाइडिंग पार्ट है वो है,
थोड़ा यहाँ पर पैनल गैप डिज़ाइन का ही पार्ट है जो कि यूनिफॉर्म है लेकिन बढ़ा दिया गया है। अभी फर्स्ट इंप्रेशन में तो ये गाड़ी इंडिया के लिए बहुत प्रॉपर लग रही है। हाँ, देखते हैं कि जब टाटा महिंद्रा अपनी गाड़ियाँ लाएगा क्या कंपटीशन इनके लिए बैठेगा, लेकिन अभी बात हो रही है बिल्कुल प्रीमियम चीज़ की तो दी जा रही है। लेकिन बात है ये ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट है, यानी कि इसके फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल दोनों में मोटर्स को प्लेस किया गया है। दो दो मोटर्स आपको मिलेगी। जो आगे वाले एक्सल में मोटर लगाई गई है यहाँ पर आपको 95 हॉर्स पावर दी गई है। जो रियर एक्सल में मोटर है यहाँ पर आपको 210 हॉर्स पावर मिलेगी। और जो आपको टॉक की बात होगी तो फ्रंट एक्सल में जो मोटर है ये 255 NM का टॉक बनाएगी और जो पीछे वाली एक्सल में मोटर लगाई गई है ये 350 NM का बनाएगी। लेकिन मेन बात है कि ये गाड़ी टोटल टॉक कितना बना रही है, कितनी पावर बना रही है। तो टोटल पावर बना रही है 305 HP की और पूरा टॉक बना रही है 605 NM का। बहुत ज़्यादा है, 300 HP की पावर और 600 NM का टॉक, बहुत अल्टीमेट। जो बैटरी है आपको उसमें दी गई है, यहाँ पर आप देखेंगे 72.6 किलोवाट आवर की बैटरी है, जो कि एक रेंज फिगर की बात की जाए तो 430 का आपको रेंज ऑफर करेगा एक यूरोपियन टेस्ट के अकॉर्डिंग। बट इंडिया में ये आपको 400 से लेके 500 के रेंज बड़े आसानी से देगी। आप देखते हैं किया काफ़ी जगह क्लेम करते हुए दिखता है आपको 700 तक भी रेंज आप निकाल सकते हैं EV6 है। पावर ट्रेन टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी दी गई है जो बाकी कंपनीज भी देती है, लेकिन मेन बात है जो पावर फिगर आ रहे हैं सामने बहुत अच्छे हैं। 305 HP है और उसी के साथ आपको 605 NM का टॉक बना के दिया गया है। लिक्विड कूल्ड आपको बैटरी मिलेगी जिससे सेफ्टी रिलायबिलिटी दोनों इंश्योर होती है। आपको किलोवाट आर इसका मैंने बता दिया है, बाकी ये सारी चीज़ें इसकी आप लंबाई देखेंगे 4635 mm की लेंथ है, 1890 mm इस गाड़ी की चौड़ाई है, काफ़ी अच्छी चौड़ाई है गाड़ी की, और 1605 mm काफ़ी बैठी हुई गाड़ी है कूपे इंस्पायर्ड स्पोर्टी लुक देने के लिए। साथ ही व्हील बेस भी अच्छा खासा इसमें दिया गया जो कि 3000 mm का है। 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है तो यहाँ पर पता चल गया है अच्छा है ग्राउंड क्लियरेंस, और उसी हिसाब से एक तरीके से मैं कहूँ प्रॉपर बनाई गई ये चीज़। और अगर आप इसका टर्निंग रेडियस की बात करें तो यहाँ पर 5.99 मीटर का इसमें टर्निंग रेडियस ऑफर किया गया है। मैकपियर्सन स्टड आपको फ्रंट में मिलेंगे और रियर में आपको इसमें मल्टी लिंक जो सस्पेंशन है वो ऑफर किए गए। साथ ही 18 इंचेस की डिस्क दी गई है तो उससे भी जो ब्रेकिंग है बहुत बढ़िया होगी, और जो अलॉय है मैंने कहा कि एरोडायनेमिक डिज़ाइन का इस्तेमाल किया गया है तो वो भी इसका जो यूज़ है जो इलेक्ट्रिक कार में किया जा रहा है उसको और बढ़िया बनाते हैं। और साथ ही 20 इंच का टायर है, और साथ ही जो सबसे मेन बात आपको बताया कि 430 किलोमीटर की रेंज होने वाली है जो कि यूरोपियन मॉडल्स के लिए टेस्ट की गई थी, जिसमें 20 इंच के टायर और ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम होगा। बैटरी भी बड़ी सी दी गई है। इंडिया में देखते हैं क्या रहेगा, लगभग फिर भी 400 किलोमीटर बहुत है प्रैक्टिकल। और मेन बात है कि जो चार्जिंग सेटअप आपको घर में दिया जाएगा ना इनकी तरफ से, उसमें क्या कुछ आपको देने वाला है, तो मैक्सिमम चार्जिंग जो आप वहाँ पर देख रहे हैं ना 2.3 किलोवाट का केवल जो कि पोर्टेबल होने वाला है, और ये गाड़ी उस चार्जर से 31 घंटा लेगी भाई साहब, मतलब डेढ़ दिन तीन दिन के आसपास ले रही है। तो 31 आवर लिखा हुआ है यहाँ पर, उसकी मदद से चार्ज होने वाली है 2.3 किलोवाट के चार्जर से, जो कि सही बात भी, इतनी बड़ी बैटरी है। लेकिन अगर आप बात करेंगे यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 10.5 किलोवाट आवर का अगर आप चार्जर इसमें लगाते हैं फिर जाकर सिर्फ 6 घंटे में ही चार्ज हो जाएगी। बाकी बात रही जो DC में अल्ट्रा फास्ट चार्जर, इंडिया में एक फ्यूचर की तरह देखा जा रहा है जिसमें आपको DC पावर यूज़ करनी होगी, 350 किलोवाट इसकी पावर रहेगी। यहाँ पर भी सेगमेंट बनाया गया है, अगर 50 किलोवाट का DC फास्ट चार्जर होगा वो 0 to 80% इसको कर देगा 61 मिनट 42 सेकंड लिखा हुआ है आई थिंक, और अगर आप 350 किलोवाट का DC फास्ट चार्जर लेंगे वो 0 to 80% यहाँ पर कर देगा 17 मिनट 16 सेकंड में। तो भैया ये सब कुछ रहा सारी चीज़ आप बाकी देख सकते हैं। इसमें एक और फंक्शन है जो हम बताना भूल गए, व्हीकल टू लोड, यानी कि इस व्हीकल में जो बैटरी है इनकेस अगर पावर कट हो जाता है या फिर आप कैंपिंग करने जाते हैं तो आप इसमें से पावर ले भी सकते हैं। इसी चीज़ पे टाटा भी बात कर रहा था जब उनकी अवन्या आई थी या फिर कर्व आई थी, वो कितनी पावर आप लेने वाले हैं, वो आप लेंगे 220 वोल्ट में और 3.6 किलोवाट की पावर, यानी कि 3 किलोवाट का कोई भी अप्लायंस इससे चल सकता है। कितना चलेगा वो टेस्ट करके पता चलेगा, लेकिन फिर भी सही सा प्रैक्टिकल फंक्शन है। बस बात वही है, सेगमेंट अभी थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा है। तो तब तक के लिए फिर ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, मिलते हैं ऐसी और नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अपडेट पसंद आई, हमने बात करी थी क्रेटा फेसलिफ्ट की और यहाँ पर आपने देख लिया आयोनिक 5 को। ऐसी ही और गाड़ियाँ आने वाली आपके लिए बहुत सारी, मिलते हैं ऐसी और नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।